नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य लाए हैं और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सिम कार्ड परचेज से रिलेटेड सेंटेंसेस। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो दोस्तों, देर किस बात की, आज ही अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, सिम कार्ड परचेज से रिलेटेड हम कई तरह के सेंटेंस बोलते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो मुझे एक सिम कार्ड चाहिए, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या अगर आपको कहना हो मुझे इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो क्या हम इस सिम कार्ड को स्मार्टफोन में यूज कर सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो आपके पास बेस्ट पोस्टपेड प्लान क्या है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? यस दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं। यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा मुझे एक सिम कार्ड चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी आई वॉन्ट अ सिम कार्ड। मुझे एक सिम कार्ड चाहिए तो आप कहेंगे आई वॉन्ट अ सिम कार्ड। दोस्तों, आई वॉन्ट यानी मैं चाहता हूं। अगर आपने कहा मुझे चाहिए तो आप कहेंगे आई वॉन्ट। एक को हम कहेंगे अ, आई वॉन्ट अ सिम कार्ड। सो आपने कहा मुझे एक सिम कार्ड चाहिए तो आप कहेंगे आई वॉन्ट अ सिम कार्ड। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने कहा मुझे इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, सो वॉट डॉक्यूमेंट, क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, तो उसकी इंग्लिश होगी वॉट डॉक्यूमेंट। What document do you want for this? इसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, तो आप कहेंगे What document do you want for this? दोस्तों, what means क्या, what का means होता है क्या, document यानी document, What document यानी क्या डॉक्यूमेंट, डू यू वॉन्ट यानी चाहते हो, What document do you want यानी तुम कौन सा डॉक्यूमेंट चाहते हो for this, right? यानी आपको कौन, आपको क्या देना होगा इसके लिए, What document do you want for this? ऐसे ही अगर आपने कहा क्या इस सिम कार्ड को हम स्मार्टफोन में यूज कर सकते हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी Can we use this सिम कार्ड विद स्मार्टफोन। क्या हम यह सिम कार्ड स्मार्टफोन में यूज कर सकते हैं? सो कैन वी यूज दिस सिम कार्ड विद स्मार्टफोन। कैन का मीन्स होता है सकते हैं। कैन वी का मीन्स होता है हम। कैन वी यूज, क्या हम इसको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस सिम कार्ड यानी इस सिम कार्ड को, तो उसकी इंग्लिश होगी कैन वी यूज दिस सिम कार्ड विद स्मार्टफोन यानी स्मार्टफोन के साथ, स्मार्टफोन के अंदर। कैन वी यूज दिस सिम कार्ड विद स्मार्टफोन। और अगर कहना है आपके पास बेस्ट प्लान क्या है, तो आप कहेंगे व्हाट इज द बेस्ट पोस्ट पेड प्लान यू हैव। तुम्हारे पास बेस्ट पोस्टपेड प्लान क्या है, व्हाट इज द बेस्ट पोस्टपेड प्लान यू हैव। सो दोस्तों, व्हाट का मींस होता है क्या, इज का मींस होता है व्हाट इज यानी तुम्हारे पास क्या है, व्हाट इज द बेस्ट प्लान, तुम्हारे पास बेस्ट पोस्टपेड प्लान क्या है, यू हैव यानी तुम्हारे पास, आपके पास।
तो ऐसे में आप कहेंगे व्हाट इज द बेस्ट पोस्ट पेड प्लान यू हैव। सो दोस्तों इस तरह से इन सेंटेंसेस को बोला जाता है। आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू एंजॉयड द लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। नमस्ते इंग्लिश, आई विल सी यू नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर।